हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एम डॉक्टर रूप किशोर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरह के नोटिफिकेशन और अपडेट चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ यह न्यूज़ दैनिक जागरण ई पेपर के प्रयागराज शहर के संस्करण में 3 सितंबर 2023 को प्रकाशित हुई है। इसके अनुसार अधिनियम में संशोधन के साथ मांगा नया शिक्षा आयोग व भर्ती। राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियों के बीच नए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में देरी से प्रतियोगी चिंतित हैं। उनका मानना है कि आयोग के गठन में देरी होने पर कहीं शिक्षक भर्तियाँ चुनाव आचार संहिता में ना फंस जाएँ। ऐसे में मांग की गई है कि आयोग गठन जल्द पूरा कर वर्ष 2022 में जारी हुए विज्ञापन में नए रिक्त पदों का अध्याचन जोड़कर आवेदन लेते हुए परीक्षा कराई जाए। साथ ही माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की धारा 18 एवं 21 को नए आयोग के अधिनियम में शामिल किया जाए। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि नए आयोग के गठन में देरी और इसके अधिनियम से चयन बोर्ड की धारा 18 एवं 21 को हटाए जाने से प्रतियोगियों में नाराजगी है। धारा 18 के तहत निर्धारित समय में चयनित प्रधानाचार्य न आने पर तदर्थ प्रधानाचार्य नियुक्त होते हैं और उन्हें प्रधानाचार्य का वेतन मिलता है। इसी तरह धारा 21 के तहत प्रबंधक बिना चयन बोर्ड आयोग की अनुमति के शिक्षक को निलंबित नहीं कर सकते। इसके हटने पर शिक्षकों का शोषण शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2022 के टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में 4163 पदों पर 13 लाख से अधिक आवेदन को पद के सापेक्ष ज़्यादा बताया है। कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में बताए गए माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों के रिक्त 25,000 पदों को वर्ष 2022 के विज्ञापन में जोड़कर भर्ती परीक्षा संपन्न कराई जाए ताकि अधिक युवाओं का चयन हो सके। तो इस प्रकार से ये थी पूरी न्यूज़, और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू।